असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं, और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमें लगता है ये मुद्दा आप सबसे जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। तो स्वागत है आपका दोस्तों गोदी मीडिया की दुनिया का बेताज बादशाह चाटुकारिता के नाम से जानने वाला गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सुधीर चौधरी सरकारी नौकरी करने वालों को अपने शो में कह रहा है कि उन्हें कोई हुनर नहीं आता। और दोस्तों आगे सुधीर चौधरी ने कहा कि सरकारी नौकरी करने वाले घूसखोर, कामचोर और नालायक, नाकारा होते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो वायरल हुआ तो जनता से लेकर पत्रकार तक सभी ने सुधीर चौधरी की बखिया उधेड़ दी। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, सुन लो सरकारी नौकरी करने वालों, इन महाशय के मुताबिक आप लोग निकम्मे हैं, कामचोर हैं, घूसखोर हैं, नालायक हैं और नाकारा हैं। अब आप लोग तय कीजिए कि इनसे सहमत हैं या नहीं। चाटुकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा हुनरमंद आप सबको खारिज कर रहा है। वहीं एक और यूजर इस पर लिखते हैं, 2012 में सुधीर चौधरी को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और ये गिरफ्तारी जिंदल समूह तथा कोयला घोटाले को जोड़ती हुई कोई खबर ना चलाने के बदले 100 करोड़ रुपए मांगे, जिससे उन्हें तिहाड़ जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी पर एक और यूजर लिखते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधीर चौधरी, उनको मालूम है कि सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाई और टैलेंट होना चाहिए, हुनर तो अपना जमीर मारकर टट्टी खाने में, जूता चाटने में और देश के साथ धोखा करने में चाहिए होता है। इसी पर एक और यूजर लिखते हैं, पत्रकारिता के नाम पर कलंक है।